सो गाइज जो भी मैं टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ, मैं पहली बात बता देता हूँ, पहले मैं डिटेल्स बता देता हूँ कि यार ये चीजें होने वाली है, ठीक है। फालतू की चीजें नहीं करने वाले हम, टेस्ट सीरीज को मैं बहुत कॉम्पैक्ट रखने वाला हूँ। तो एक सेकेंड, मैं वन नोट ऑन कर लेता हूँ अपना, ताकि मैं चीजें आपको बता सकूं। जरूरी ये है कि यार देखो, अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा होगा टेस्ट सीरीज से ना, हम क्वेश्चन फ्रेम करना सीख जाते हैं। आपको ये लगने लग जाएगा कि हाँ ये चीज पढ़ना है या ये चीज नहीं पढ़ना है ना। तो वो ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए कि क्या चीज पढ़ना है क्या चीज नहीं पढ़ना है। जब अभी तक जितना पढ़ा है उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या करना है, या उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो ये ज्यादा बेटर होता है हमारे लिए। तो एक सेकंड, स्क्रीन विजिबल है सभी के लिए? जी भैया, ओके। सो देखो, यस जो हमारा तीन सेक्शन है, चार सेक्शन है, एक है मैथ्स, एक है मैकेनिक्स, उसके बाद आता है आपका रीजनिंग, देन आता है आपका कंप्यूटर। फिजिक्स केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करता कभी, ठीक है। तो देखो, मैकेनिक्स में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिसोर्सेस आपको पता है यार, कहाँ से क्या पढ़ना है कहाँ से क्या नहीं पढ़ना है ना। एग्जैक्टली, देखो रिसोर्सेज जो मैंने भी आपको दिए उससे पढ़ लो, जो मेरे वीडियो सेशन आ रहे हैं उनसे पढ़ लो। मैकेनिक्स के अंदर टोटल 5 टेस्ट होंगे, ठीक है। अब ये टेस्ट कैसे होंगे, स्प्लिटेड क्वेश्चन होंगे, मेरे हैंड रिटन क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वैसे दूंगा, मैं हैंड रिटन क्वेश्चन बनाता हूँ कि यहाँ यहाँ से ये क्वेश्चन एक्चुअली में आने के चांसेस है, या इन क्वेश्चन को करने के बाद स्टूडेंट अपने माइंड में एक सेट बना सकता है कि वहां कैसा भी क्वेश्चन है एटलीस्ट सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो। टेस्ट सीरीज में मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आने वाला है, या कोई भी टीचर नहीं लेता कि ये क्वेश्चन आने वाला है। टेस्ट सीरीज का एक बेसिक सेंस होता है कि आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाने वाले हो, जिससे मोर प्रोबेबली आप मैकेनिक्स के क्वेश्चन वहां सॉल्व करके आओगे, ठीक है। तो मैं प्रीवियस ईयर के 3 साल के पेपर को एनालाइज करके प्रिडिक्टेबिलिटी करता हूँ कि हाँ यार ये चीज पॉसिबल है आने का, और मोर एंड मोर चांसेस होते हैं कि हाँ उस तरह के क्वेश्चन टाइप में फ्रेम किए जाए, ठीक है। तो ये 5 टेस्ट होंगे, ठीक है, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड होगी, ठीक है। कैसे होगी वो सारी डिटेल सब मिल जाएगा, अभी मैं सब बता दूंगा। रीजनिंग के ज्यादा टेस्ट नहीं होंगे क्योंकि मैं आपको कॉम्पैक्टेबल क्वेश्चंस देने वाला हूँ, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट होंगे, बिकॉज फ्यू क्वेश्चंस बहुत इजी मैनर में आते हैं, ठीक है। तो हमें उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट होंगे। कंप्यूटर में के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ आपको 2 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, सिर्फ 2 टेस्ट होंगे। इन सब के अंदर, ठीक है, आपको क्या मिलेगा कि यार क्वेश्चन उस तरीके से देंगे जो इनके आने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, या उस तरीके के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा होते, या उस इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके माइंड में एक सेट बनेगा कि वहां क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा मोर प्रोबेबली। और मैथ्स के भी आपके 5 टेस्ट होंगे, ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ कि यार जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा तो भी वो उन क्वेश्चन को करके जाए, ताकि वहां अगर क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट वो सॉल्व करने के लिए कैपेबल तो होंगे। तो ये क्या होगा, देखो इसके लिए प्रोसीजर क्या है मैं बता देता हूँ। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो मार्च चल रहा है ना, 15 अप्रैल तक है। 15 अप्रैल तक ना एक फॉर्म मिलेगा आप लोगों को, उस फॉर्म को फिलअप करना है, उसमें अपने सारे डिटेल्स वगैरह भरने, क्योंकि जिनका ईमेल मेरे पास होगा सिर्फ और सिर्फ वही उस पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज और कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। इफ इन केस कोई सोचेगा किसी ना किसी दूसरे तरीके से मालवेयर का यूज करके, चाहे वो पीडीएफ डाउनलोड भी कर ले, वो शेयर भी कर दे, जस्ट बिकॉज कि वो शेयर कर भी देगा तो जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा इन टेस्ट सीरीज के, वो मैं जूम मीटिंग के थ्रू करवाऊंगा, यानी मैं सॉल्व कराऊंगा उन क्वेश्चन को। मैं वैसा बंदा नहीं हूँ कि आपको रिटर्न सॉल्यूशन दे दूंगा टेस्ट सीरीज के कि भाई इसको देख लो और कर लो हो जाएगा, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि वो जो इतने भी क्वेश्चन इन 5 टेस्ट में, इन 2 टेस्ट में और उन 5 टेस्ट में, अगर मैं वो आपको सॉल्व करवा पाऊंगा, ठीक है, आप पहले करोगे टेस्ट दोगे, आपसे नहीं हुआ, एक आइडिया आपके माइंड में बैठ गया, फिर आप देखोगे अच्छा ये क्वेश्चन तो मेरे से हो गया था, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, अगर मेरे से नहीं हुआ तो इसका क्या सॉल्यूशन है, या जिन क्वेश्चन
को मैंने अटेम्प्ट कर लिया, उसको और अच्छे से करने का क्या तरीका है, तो ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो सॉल्यूशन जूम मीटिंग के थ्रू प्रोवाइड होगी और वो वही बच्चे अटेंड कर पाएंगे जिन्होंने उस कोर्स को खरीदा होगा, अदरवाइज और कोई तो अटेंड कर नहीं पाएगा क्योंकि मीटिंग के अंदर नेम एंड रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह आपको आईडी होगा, उस आईडी के हिसाब से ही आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने वाली है। इसके अलावा जो गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है, उस गूगल फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स भरनी है। गूगल फॉर्म में डिटेल भरने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको खुद ही ज्वाइन करूंगा, तो उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर डालें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर का ऑप्शन होगा, वो नंबर आपको डालना होगा, ठीक है, ताकि मैं उस नंबर से आपको ऐड कर सकूं। अपना प्रॉपर नेम, जिस नेम से आपने रजिस्टर किया है, फॉर्म भरा है, वो सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट डेट कि आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, मुझे से मैटर नहीं करता, बट मैं ऑथेंटिसिटी के लिए लेता हूँ। मैंने पिछले साल भी बच्चों के रिजल्ट नहीं लगाए थे, ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए। वो पूछता हूँ बच्चों से, मैं लगा सकता हूँ, आपसे पूछूंगा कि मैं आपका लगा सकता हूँ, तो आप अगर बोलोगे कि यस, तो मैं बोलूंगा ठीक है लगा लेता हूँ, अगर आप बोलोगे नहीं तो मैं नहीं लगाऊंगा, ऐसा सीन है मेरा, है ना, आपको लेकर मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ। सो व्हाट्सएप, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप के अंदर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भी डालेंगे, ठीक है, एंड अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डालेंगे, अपलोड करने का ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा अब देखो जो मेन मुद्दा है, मैं वो बता देता हूँ। सारी चीजें मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी थी, ठीक है, नो मैटर के कोर्स जो मैं मैकेनिक्स का चला रहा था, वो भी सब कुछ आपको वैसे फ्री में मिल जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी कर दूं, जस्ट बिकॉज मेरे यार दूसरे एक्सटर्नल पढ़ाई ज्यादा होती है, ठीक है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं किस चीज की तैयारी कर रहा हूँ एंड ऑल, बट क्योंकि वो अलग बात है, बट फिर मैं उसके लिए पढ़ता हूँ, उसके लिए मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है, तो इसीलिए मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ता हूँ। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से किया जाएगा, बट जस्ट बिकॉज मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरे को डोनेशन जो मिला था, है ना, मैं आपके ग्रुप में सेंड किया था या मैंने बोला भी था, मेरे को डोनेशन ओनली 4% समथिंग से मिला, ठीक है, और उसका जो मैक्सिमम प्राइस था, मैक्सिमम डोनेशन जो मेरे को मिला है, वो 250 rupees का मिला है। सो दैट्स व्हाई मैंने सेट किया है टेस्ट सीरीज का प्राइस, विच इज इक्वल्स टू ओनली 250 जो मैक्सिमम डोनेशन दिया, ठीक है, और जिन्होंने भी डोनेशन दिया है, ठीक है, चाहे उन्होंने किसी बच्चे ने 100 rupees ही दिया था, है ना, तो उसको फ्री में मिलेगा, ठीक है, वो मुझे पता है कि उन्होंने दिया था, तो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा था कि उनको प्रिविलेज मिलेगा, मैं स्टार्टिंग में ही बोल रहा था भाई, तो उनको प्रिविलेज मिलेगा। तो ये 250 rupees का टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इसके अंदर टोटल देख लो 5, 5, 10, 2, 12 और जो 14 आपको PDFs प्रोवाइड किए जाएंगे, वो वही एक्सेस कर पाएंगे। वैसे नहीं है कि एकदम से मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ना ना, ये टेस्ट सीरीज टेस्ट के फॉर्म में होंगे, ऐसा नहीं कि आप एकदम रेंडमली एक्सेस कर लोगे, जब मैं चाहूंगा तभी आप एक्सेस करोगे, वो डे टू डे करवाऊंगा, ताकि आपको सोल्यूशन भी मिल सके, आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट भी दे सको, आप पढ़ो तब टेस्ट दो, ऐसे नहीं रेंडमली क्वेश्चन देख लिया हो गया, ऐसे टेस्ट सीरीज देने से कोई फायदा नहीं, एक स्ट्रिक्ट एक्शन के थ्रू ही आप टेस्ट दोगे, वो मैं चाहता हूँ। तो ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, बाकी जो भी बच्चे एक्सटर्नली आपके थ्रू अगर इसको लेना चाहते हो, आप उनको वो डिटेल्स प्रोवाइड करवा देना। मैं चाहता हूँ कि आपको मैंने इतनी सारी चीजें दी, इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करवाई है, तो मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूँ कि आप इसमें कोई भी मालवेयर या कोई भी दूसरे तरीके से PDF शेयरिंग का काम ना करें, ठीक है, डाउनलोड करके, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मेरे पिछले टाइम के टेस्ट सीरीज वगैरह भी कुछ मतलब शेयर कर दिए गए थे, तो नो मैटर, मैं नहीं करता हूँ ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ करने के लिए, बाकी आपकी मर्जी है, और मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ और मैं वीडियो रोक देता हूँ, ताकि यूट्यूब पे ज्यादा लेंथी वीडियो ना जाए, डिटेल्स के लिए जाए, बाकी और डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है।